हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेबी सॉक्स बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाना है आपको। देखिए, इसमें मैंने 45 फंदे डाले हैं और ये 10 नंबर का सिलाई है और ये बेबी ऊन है। तो आइए, मैं आपको बहुत प्यारा सॉक्स बताने वाली हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इसे। ये सारे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन कर कर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने सारे फंदे को उल्टे बुन लिए। आते हैं उल्टी तरफ। उल्टी सिलाई की तरफ से भी ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुनने हैं। आगे से भी उल्टा बुनना है, पीछे से भी उल्टा बुनना है। तो दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए, हमने उल्टी सिलाई भी कंप्लीट किया। आते हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ से भी ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने लेंगे। ये सारे फंदे उल्टा बुनेंगे। देखिए, हमने कंप्लीट करा। अब आते हैं उल्टी तरफ। दोनों तरफ से हमें उल्टे उल्टे बुनना है। ये सारे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें दोनों तरफ से आगे से भी उल्टा बुनना है और पीछे से भी उल्टा बुनना है। आपको मैं 6 लाइन 7 लाइन करके बताती हूँ कि आपको आगे कैसे बुनना है। अभी हमारा 2 लाइन पूरा हुआ है, इसे लेकर हम शायद 7 लाइन करेंगे। 7 लाइन करके आगे दिखाती हूँ कि आगे ऊपर कैसे बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बन गया 6 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हो गए। अब आगे से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बाईस फंदे हो गए इधर। देखिए, 22 फंदा इधर है और 22 फंदा यहाँ है, और एक बीच का फंदा ये एक्स्ट्रा है। इसको देखिए क्या करते हैं, एक फंदा इसमें से लेंगे और एक फंदा इसमें से। तो दो फंदे को इस तरह लेंगे, इस फंदे को बुनेंगे इस तरह, इसके ऊपर से इस तरह पलट लेंगे। आगे ये सारे फंदे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
देखिए बीच का फंदा ये छोड़कर 21 फंदा इधर है, 21 फंदा इधर है, क्योंकि पहले 22 फंदा था इधर, 22 फंदा ये इधर था, एक बीच का फंदा एक्स्ट्रा था। उसके साथ हमने एक फंदा इसमें से लिए, एक फंदे इसमें से लेकर घटा लिए। अब बच गया है 21 फंदा इधर, 21 फंदा इधर, बीच के फंदे को छोड़कर। अब आते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई में ये सारे फंदे को उल्टे बुन कर निकाल लेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। पीछे से कुछ नहीं करना है, पीछे से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली, आते हैं सीधी सिलाई में। अब सीधी सिलाई में देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। 20 फंदे बुन लिए। पहले हम 22 फंदे थे, 22 में से एक फंदा हमने इसमें घटा लिए। अब देखिए 22 फंदे बुने, अब एक फंदे ये जो है इसको इस तरह लेंगे, दो फंदे को इस तरह लेंगे, एक फंदे को इसमें से बुनेंगे, इसमें से दो फंदे को इस तरह पलट लेंगे। अब 20 फंदा ये बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। उल्टी सिलाई में आते हैं। उल्टी सिलाई में ये सारे फंदे उल्टे बुन कर कंप्लीट करेंगे, पीछे से कुछ नहीं करना है। देखिए हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली, आते हैं सीधी सिलाई में। सीधी सिलाई में देखिए हमें हर सीधी सिलाई में एक फंदा इसमें से, एक फंदा इसमें से घटाना है, इसके साथ बीच वाले फंदे के साथ इस तरह हम घटा लेंगे, ये फंदे को सीधा बुनेंगे। पहले देखिए 22 था, फिर 21 हुआ, अब 19 फंदा है। तो देखिए इस तरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, 19 फंदा ये है। और देखिए एक फंदा हमने ये है इसमें से लिए, और एक बीच का फंदा है, एक फंदा इसमें से लेंगे। तो इस तरह दो को इस पर लेंगे, इस फंदे को बुन लेंगे। ये दो फंदा है इसके ऊपर से इस तरह उतार लेंगे, ये 19 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो हर सीधी सिलाई में इस तरह घटाना है आपको। और उल्टी सिलाई में उल्टी इस तरफ से सारे फंदे उल्टे ही बुनना है, पीछे से कुछ नहीं करना। देखिए आते हैं सीधी सिलाई में। इस तरह हर सीधी सिलाई में आपको फंदा घटाना है, और लास्ट में आपको यहाँ से 16 फंदा रखना है। 16 फंदा इसमें रखना है, बीच का फंदा छोड़कर, और 16 फंदा इधर रखना है। अब बाकी जितना फंदा है इसको घटाना है, तो इस तरह घटा लेंगे। आपको 16 फंदा रखकर मैं दिखाती हूँ कि आगे ऊपर कैसे बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने घटा लिया। देखिए ये बीच का लाइन छोड़कर, ये जो बीच का फंदा है ना, इसको छोड़ के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह लाइन ये है, सॉरी 16 फंदा ये है, और 16 फंदा ये है बीच का फंदे को छोड़कर। तो आइए देखिए इस पर हम इस पर उल्टा बुनेंगे, ये सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इसके ऊपर।
तो देखिए इस तरह ये सारे फंदे बुनेंगे। अब देखिए आते हैं उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से भी ये सारे फंदे को उल्टा बुनेंगे। आगे से भी उल्टा बुनना है, पीछे से भी उल्टा बुनना है, तो ये सारे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। देखिए सीधी सिलाई में आगे इस तरह हमें आगे से भी उल्टा बुनना है, पीछे से भी उल्टा बुनना है। पांच लाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार लाइन बन गए। एक लाइन और इस पे हम बनाकर पूरे पांच लाइन करेंगे। इसको बुनते हुए इधर लाएंगे उनको। देखिए ये सीधी सिलाई है, तो ये सारे फंदे को बुनते हुए लाएंगे। तो देखिए हमने ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के पांच लाइन कंप्लीट कर ली, एक दो तीन चार पाँच। अब आते हैं उल्टी साइड में। उल्टी साइड में देखिए इस तरह इसको बुनेंगे, इस तरह फंदे को लेकर सारे फंदे को घटा लेंगे। इस तरह सारे फंदे घटा के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ये सारे फंदे घटा लिए। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ऊन तोड़ेंगे सिलने के लिए। तो देखिए इस तरह इसको इस तरह करके सिलेंगे। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बेबी सॉक्स बुनना बताया है। इसको यहां से ऐसे सिलेंगे और यहां से ऐसे सिलेंगे इसे। आपको सिल के दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे बनकर जो बेबी सॉक्स लगेंगे
देखिए हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताया है बेबी सॉक्स। आप किसी भी कलर से बनाइए, बहुत प्यार लगता है। देखिए अब तक हमारे चैनल का लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आगे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।